भगा के लाए हो? समीर, सृष्टि सुन मेरी बात। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे करंगा, थैंक गॉड भाई आपको होश आ गया, बहुत खुश हूँ। हाँ खुश है ना तू? हाँ? अब बता हुआ क्या था, तुम लोगों ने किया क्या? हाँ ये कहानी क्या बना रहे हो, एक्सीडेंट वगैरह हुआ क्या? अब मैं समझा तुम जोर जोर से सैमी सैमी समीर समीर क्यों चिल्ला रही थी, क्योंकि तुम फंस गई और मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं भी फंस जाऊँ, तुम बच जाओ, है ना? खुद को बचाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था ना तुमने, है ना, है ना? एक्सक्यूज मी, खुद को बचाने के लिए? अरे हम दोनों को बचाने के लिए। देखो समीर, हमने जो भी कुछ किया ना साथ में मिलके किया है, और बाय द वे मैंने शुरुआत कर दी है, बता दिया कि हमने करण जीजू को भगा दिया, लेकिन आगे की कहानी तुम बताओगे कि कैसे भगाया। चाची ने मुझे मजबूर किया था भगाने के लिए, मैंने खुद से नहीं किया, इसने मजबूर किया था। जीजू को भगाना नहीं चाहते थे? कितना झूठ बोल रहा है यार। एक तो तुम दोनों पहले चुप हो जाओ, अपनी आपस की लड़ाई बंद करो, जो सवाल किया है उसका जवाब दो। क्यों भगाया, क्यों किया ऐसा, कैसे किया तुमने ये सब? दी, हमने 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 झूठ बोला है। वो सच बोला नहीं गया तो झूठ बोल दिया। मैं बताती हूँ, वो यार एक्चुअली उन लोगों ने हद पार कर दी थी। अरे हम जीजू का परिवार है, वे फैमिली मेंबर्स, और जीजू से मिलने नहीं दे रहे थे। वो पुलिस में, वो पुलिस स्टेशन, वो हाँ वो पुलिस वाले ने मेरे से बदतमीजी की है। बदतमीजी? कोई बदतमीजी नहीं की मॉम, मुझसे मिलना चाहती थी जबरदस्ती, उन्होंने अलाउ नहीं किया तो अंदर आ गई जबरदस्ती, इसको बस पकड़ के कोने में ले गए, बाहर निकाल दिया, दैट्स इट। अरे हाथ पकड़ के बाहर ले जाना भी बदतमीजी होती है? जी नहीं, कानून होता है, और अगर कानून को तोड़ोगे तो हाथ पकड़ के बाहर ही निकाले जाओगे और कुछ नहीं होगा। वो अपना कानून फॉलो कर रहा था और तुझे भी वही फॉलो करना चाहिए था। तो इसका मतलब पुलिस सही है और आपकी बहन गलत है ना? ये कैसा कंपैरिजन है सृष्टि? एक मिनट, तुम दोनों चुप हो गए? हाँ ये मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ, जहां तक मुझे याद है मैं बताता हूँ। जब तक मैं होश में था, मुझे एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर रहे थे, और जिस जीप में मैं बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया। बेहोश होने से पहले मैंने सृष्टि को वहां देखा था। हाँ, इसलिए जीजू, क्योंकि हम आपके पुलिस वैन का पीछा ही कर रहे थे जिसमें आप थे, और फिर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमने वहां जाके देखा तो सब बेहोश पड़े थे, तो मुझे लगा कि ये सही मौका है आपको वहां से वटा, मेरा मतलब है भगान। मैंने इसलिए सामी को बोला कि आपको वहां से उठा के ले जाए घर पे,